सर्वप्रथम आज सभी का स्वागत है। आज नामांकन पूर्ण होने के प्रक्रिया में नाम वापसी का दिवस तय था और 3 बजे तक पूरे हमारे जो राज्य में 5 लोकसभा सीट है उसमें केवल एक नाम वापसी का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था, जो अल्मोड़ा लोकसभा सीट है वहाँ पर श्री अर्जुन कुमार देव जी, इन्होंने अपना नाम वापस लिया है, निर्दलीय थे। और इसके पश्चात अभी 5 लोकसभा सीट्स में कुल 55 प्रत्याशी चुनावी मैदान में अभी चुनाव लड़ रहे हैं, उसमें टिहरी में 11, गढ़वाल लोकसभा सीट पर 13, अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर 7, नैनीताल लोकसभा सीट पर 10 और हरिद्वार लोकसभा सीट पर 14 प्रत्याशी अभी चुनावी मैदान में हैं। जी, टिहरी में 11 प्रत्याशी, गढ़वा लोकसभा सीट पर 13 प्रत्याशी, अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर 7 प्रत्याशी, नैनीताल लोकसभा सीट पर 10 प्रत्याशी और हरिद्वार लोकसभा सीट पर 14 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। केवल एक नाम वापस लिया गया है, जो अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर जो निर्दलीय प्रत्याशी थे अर्जुन कुमार देव, इनके द्वारा नाम वापस लिया गया है। जो अन्य बिंदु है आज की प्रेस ब्रीफिंग में, वो इम्पोर्टेंट ये है कि निर्वाचन आयोग के द्वारा एग्जिट पोल का बारे में अपना निर्देश जारी किया है, जिसको हम सबको साझा करना चाह रहे हैं। एग्जिट पोल की प्रक्रिया करना और उसके जो भी उसके निष्कर्ष होंगे उनका प्रकाशन करना ये प्रतिबंधित होगा, और जो अवधि निर्धारित किया गया है उस प्रकाशन और उस सर्वे करने की गतिविधि को प्रतिबंधित मानने के लिए, प्रथम चरण का जो मतदान का समय होगा वो प्रारंभ होने से लेकर अंतिम चरण का जो मतदान का समाप्ति का समय होगा उसके आधे घंटे पश्चात तक। इसका मतलब है कि 19 अप्रैल के 7 बजे से प्रारंभ होकर 1 जून के 6:30 बजे तक एग्जिट पोल पर प्रतिबंध होगा। इसका सभी मीडिया जो समूह होंगे इनको इसका बारे में अनुपालन करना सुनिश्चित करना होगा। ये अवधि दोहराएं, ठीक, जो एग्जिट पोल होगा उसको उसका कार्य करना और उसका निष्कर्ष को प्रकाशित करना, इन दोनों गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध होगा। जो प्रतिबंध करने की अवधि चुनाव आयोग के द्वारा निर्धारित किया गया है, प्रथम चरण का जो मतदान का दिवस होगा उसके मतदान प्रारंभ का समय से लेकर, मतलब 7 बजे 19 अप्रैल से ये प्रारंभ हो जाएगी और ये अवधि समाप्त होगी अंतिम चरण का जो मतदान दिवस होगा 1 जून इसके 6:30 बजे। और जो दूसरा इम्पोर्टेंट अवधि है वो ओपिनियन पोल का, इस ओपिनियन पोल का अवधि के बारे में स्पष्ट किया गया है कि जो मतदान का दिवस होगा उसके मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से ओपिनियन पोल करना और उसके निष्कर्ष को प्रकाशित करना प्रतिबंधित होगा।